नमस्कार, स्वामी न्यूज स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं पवन अटारिया और सबसे पहले नजर अब तक की 10 बड़ी खबरों पर। टॉप 10 न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय बॉम्बे इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टेशन रोड माटनर ब्रिज के सामने अजमेर। अजमेर जिले में लगातार कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। आज भी अजमेर जिले में विभिन्न क्षेत्र से कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। वहीं एक 40 वर्षीय पॉजिटिव महिला मरीज की मृत्यु हो गई। डॉक्टर संजीव महेश्वरी ने बताया कि 40 वर्षीय केकड़ी निवासी महिला जेलन अस्पताल के कोविड वार्ड में 15 अगस्त को भर्ती हुई थी। उन्हें पहले से ब्लड प्रेशर, डायबिटीज की बीमारी भी थी और बीती रात उन्हें हार्ट अटैक भी आया था, जिसकी आज मौत हो गई। अनफॉर्चुनेटली अभी हमारा एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज शांत हो गई है। महिला पिछले करीब 3-4 दिन से हमारे भर्ती थी, वेंटिलेटर पर थी, हमने खूब सेवा करी लेकिन बचा नहीं पाया, क्योंकि इनका कारण एक ये हुआ, उनको कल रात को हार्ट अटैक भी हो गया। इनको कोरोना पॉजिटिव का ब्लड प्रेशर, डायबिटीज की बीमारी पहले से थी और कल रात इनको हार्ट अटैक भी हो गया। इस तरह के मरीज जो कि ऑलरेडी वेंटिलेटर पर, अगर हार्ट अटैक हो जाता है तो वैसे ही बचने की संभावना बहुत शुरू हो जाती है। थोड़ी देर पहले भी वो शांत हुई हैं। इसके अलावा अभी हमारे पास में कोरोना पॉजिटिव वार्ड में 46 मरीज भर्ती हैं। इसमें वेंटिलेटर पर तो कोई नहीं है, लेकिन 11 पेशेंट पाइपलाइन पर हैं और करीब 11-12 पेशेंट को ऑक्सीजन दे रहे हैं। सस्पेक्ट वार्ड में हमारे पास में 18 पेशेंट भर्ती हैं, जिसमें से 2 पेशेंट वेंटिलेटर पर हैं, 3 पेशेंट पाइपलाइन पर हैं, 3 मरीजों को ऑक्सीजन हम दे रहे हैं। अभी की जो रिपोर्ट जो आई है वो 30% के आसपास बढ़ चुकी आ चुकी है और भी रिपोर्ट अभी आने बाकी है। सैम्पलिंग कितनी हो गई होगी सर? सैम्पलिंग भी अभी एग्जैक्ट डेटा मेरे पास नहीं, लेकिन फिर भी करीब 1500 के आसपास सैम्पलिंग बची। कोरोना का कहर लगातार जारी है। आज एक बार फिर कोरोना संक्रमण के 2 नए मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य महकमा हरकत में आया। पहला जो संक्रमण का मामला आया वो छोटी बस्ती के मिश्रो के मोहल्ले में 30 वर्षीय स्वास्थ्य कर्मी जो था वो पॉजिटिव पाया गया। वहीं दूसरा जो यूपी का एक प्रवासी श्रमिक जो कि अम्बेडकर कॉलोनी में रहता था, 21 वर्षीय, वो भी पॉजिटिव पाया गया है। दोनों के पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य महकमे की ओर से जो भी कोविड की गाइडलाइन है उसकी पालना करते हुए एहतियात के तौर पर तमाम जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई है। पुष्कर से दिलीप लावरा साथ सीताराम पारकर, स्वामी न्यूज। कायड़ रोड स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच में शॉर्ट सर्किट से देर रात आग लग गई। इस आग में बैंक में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। आग की सूचना पर पहुंचे अग्निशमन विभाग के कर्मचारी और सिविल लाइन थाना पुलिस ने आग पर बड़ी मुश्किल से काबू पाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। एक इलेक्ट्रिकल फायर था, इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट से एटीएम पर आग लगा है। बाकी ब्रांच के अंदर कोई भी नुकसान नहीं हुआ, ओनली जो अपना इलेक्ट्रिकल वायरिंग और पैनल का है वो चला। एटीएम मशीन पर कहाँ पर बैंक है और कौन सी बैंक है? पूरा ब्रांच है। तो सर कोई नुकसान, मतलब कोई कैश वैश का नुकसान है? डॉक्यूमेंट नहीं, नहीं कोई कैश डॉक्यूमेंट का कोई नुकसान नहीं। कोई फाइल्स वगैरह जो? नहीं कुछ नहीं। एटीएम में उसको? एटीएम भी इंटेक्ट है, एटीएम में आदमी आई। सर आपका नाम? कितना कैश होगा सर? एटीएम में कोई आग, एटीएम एज इट इज इंटेक्ट है और जो कैश एटीएम का जो बैलेंस है वो एज इट इज इंटेक्ट है। अजमेर के दौराई क्षेत्र में शुक्रवार को ट्रैक पार करते समय मालगाड़ी की चपेट में आकर बेसारा एक गोवंश कटकर मर गई। प्रत्यक्षदर्शी ट्रैक मेंटेनर मुबारक अली ने बताया कि घटना आज सुबह की है। दौराई रोड स्थित फाटक से मात्र लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर अजमेर जाने वाले रेलवे मार्ग पर बेसहारा घूम रहे गोवंश का झुंड रेलवे ट्रैक पार कर रहा था। इसी दौरान ब्यावर और से अजमेर जाने वाली मालगाड़ी आ गई। हालांकि ट्रेन चालक द्वारा हॉर्न बजाया गया, लेकिन इसके बावजूद भी ट्रेन की चपेट में आकर एक गोवंश ट्रेन की इंजन में फंस गया, जिससे उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची आरपीएफ, जीआरपी और रेलवे के उच्च अधिकारियों ने गायब को निकालने के प्रयास शुरू कर दिए। तो क्या मैं चावी का कार्य करता हूँ, चावी में था तो मैंने घड़ी मिलान 293-0 में कार्य कर रहा था। मेरे को सूचना मिलने पर मैंने गैंग को सूचित किया, गैंग आके तुरंत गाय निकालने के प्रयास में लगी हुई है। गाय का इंजन के नीचे फंस चुकी थी तो गाय नहीं निकल रही है। कौन सी ट्रेन है ये? मालगाड़ी ट्रेन है, बाईपास लाइन वाली। कहाँ से सूचना मिली थी आपको? ये गेट वाले ने सूचना दी थी कि ट्रेन के नीचे गाय फंस रही है, तो हमारी गैंग भी दौराई कार्य में लगी हुई है। इंजन के नीचे गाय फंस गई तो निकल रही नहीं है। अचानक दौड़ती आ गई है जी? अचानक आ गई क्या दौड़ती? अचानक ही आई थी सर गाय, तो ये ट्रेन निकली तो मालूम नहीं अचानक आई, ये कैसा ही हमको तो, पर इसके नीचे आ गई थी हमको।
अजमेर में भी आज कृषि मंडी बंद रही, जिसकी वजह से वहां जिंसों की किसी प्रकार की कोई खरीद फरोख्त नहीं हुई। केंद्र सरकार की कृषि नीतियों में बदलाव को लेकर व्यापारियों ने विरोध स्वरूप यह बंद का आह्वान किया है। व्यापारियों ने कहा कि सरकार ने जिस तरह से टैक्स की बढ़ोतरी की है, उससे व्यापारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा और यह किसानों के हित में नहीं है। व्यापारियों ने सरकार से इस नीति को वापस लेने की मांग की है। केंद्रीय सरकार ने 5 जून 2020 को कृषि नीति में परिवर्तन किया गया है। परिवर्तन इस प्रकार किया गया है कि मंडियों के बाहर जो व्यापारी व्यापार करेंगे और किसान का माल खरीदेंगे, वो किसी भी प्रकार की टैक्स की लायबिलिटी उन पे नहीं है, और जो मंडी में व्यापार करेगा उस पे राज्य सरकार के हिसाब से टैक्स चुकाना होगा। अलग अलग प्रदेशों में इसकी अलग अलग टैक्स है। आज के दिन एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की है। ये भारतवर्ष में 4 राज्यों में आज एक साथ हड़ताल है, जिसमें हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और राजस्थान, ये 4 राज्य में एक दिन की सांकेतिक हड़ताल है। इसके बाद नेक्स्ट में पूरे हिंदुस्तान की मंडियों की हड़ताल होगी। मंडियों में हर स्टेट में मंडियों। जिला कप्तान कार्यालय में आज जिला बार एसोसिएशन के सदस्य पहुंचे और एसपी कुंवर राष्ट्रदीप सिंह से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान एसोसिएशन के सदस्यों ने एसपी को ज्ञापन भी सौंपा। वकीलों ने बताया कि अजमेर बार एसोसिएशन के सदस्य दीपक चैनानी के खिलाफ खिलाकटावा थाने में एक झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिसके खिलाफ ये सभी वकील कार्रवाई चाहते हैं। वकीलों ने बताया कि खिलाकटावा थाने में जो FIR दर्ज हुई है, उसमें परिवादी मुनव्वर हुसैन के जरिए FIR दर्ज कराई गई है, जो कि पूरी तरह झूठी है। इसके बाद दीपक चैनानी और मुनव्वर हुसैन के जरिए ब्लैकमेल और धमकाने का काम किया जा रहा है। इस मामले में पुलिस द्वारा निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए। मैंने जो अली खालिद स्टेशन रोड निवासी, अल्लाह रखा बिल्डिंग निवासी, उससे उसकी प्रॉपर्टी परचेज की थी और उन्हीं के रिलेटिव हैं मुनव्वर हुसैन चिश्ती, उनसे भी एक प्रॉपर्टी परचेज करी 2018 में। उनकी जो घुघरा स्थित ज़मीन है वो एक परचेज करी और 25 लाख रुपये में परचेज करी, जिसके बेटे मुनव्वर हुसैन चिश्ती साहब ने और उनके बेटे फैजल ने मेरे फेवर में डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूट किए और पूरा पैसा 25 लाख रुपए चेक से प्राप्त किया। अब अली खालिद जो है वो मुनव्वर हुसैन साहब का रिलेटिव है और अली खालिद से जब मेरा विवाद हुआ तो मुनव्वर हुसैन चिश्ती ने इस विवाद का लाभ लेने के लिए मेरे डॉक्यूमेंट्स को फॉर्ज बताते हुए, जबकि वो नोटराइज्ड हैं, कंप्लीट हैं और उसमें एज अ विटनेस उनके 30-32 साल का बेटे फैजल की एज अ विटनेस हुई रखी है, उसके बावजूद उस डॉक्यूमेंट को फौज बताते हुए और ये कि साहब मैंने उनकी संपत्ति हड़प ली है, उसके आधार पर क्लॉक टावर थाने में FIR संख्या 137 दर्ज कराई है, जिसके लिए मैंने आदरणीय अजय त्रिपाठी जी, जो हमारे बार काउंसिल के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, आदरणीय समीर। दिगंबर जैन समाज का रोट तीज पर मनाया गया। दिगंबर जैन समाज के 23 अगस्त से महापर्व महापर्युषण पर प्रारंभ हो रहे हैं। इसी उपलक्ष में आज 21 तारीख को दिगंबर जैन समाज के घरों में रोड तीज का पर्व मनाया गया। वैसे तो सभी घरों में इष्ट मित्र मेहमान आदि को आमंत्रित किया जाता है और भारी तादाद में लोग रोट खाने आते हैं, परंतु इस बार कोरोना महामारी के कारण घर वालों ने ही रोट बनाकर खाया और अपने कुछ मित्रों को टिफिन के माध्यम से भेजा गया। रोट को सिगड़ी पर सेका जाता है, साथ में तुरई की सब्जी, मिर्ची बूरा के साथ मोटे रोट को देसी घी के साथ खाया जाता है। आज हमारा रोट तीज का पर्व है, ये साल में एक बार आता है और इसको हम बड़े ही हर्षोल्लास के साथ बनाते हैं। इस दिन हम रोट बनाते हैं, खीर बनाते हैं और तुरई की सब्जी बनाते हैं और साथ में मिर्ची भी लेते हैं और ये खीर भी बनती है और खीर जरूरी होती है इसमें बनाना, जैसे तुरई जरूरी होती है और ये सभी लोगों को बहुत पसंद आता है। सभी के घर में लोग सभी मेहमानों को बुलाते हैं, अपने रिश्ते जो मित्र वगैरह होते हैं उन सभी को बुलाते हैं और सभी आनंद पूर्वक इसको लेते हैं और इसके लिए हम सिगड़ी का उपयोग करते हैं। रोट सिगड़ी पे ही सिकते हैं बहुत अच्छे से और मिट्टी का तवा लेना पड़ता है जिससे रोट अच्छा। जैसा कि आपको पता है, कल से गणेश चतुर्थी का पर्व पूरे देश में शुरू होने जा रहा है और गणेश
की मूर्ति बनाने वाले बड़े ही काफ़ी दुखी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मूर्ति खरीदने के लिए कोई ग्राहक नहीं आ रहा कोरोना महामारी के चलते। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ देखिए आप मार्टिनन ब्रिज का ये दृश्य है। यहाँ पर गणेश भगवान की मूर्तियाँ बनाने वाले उन्हें बेचने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं बड़ी संख्या में, अलग अलग तरीके के अलग अलग रंगों से गणेश जी की मूर्ति यहाँ पर बिकने के लिए आई हुई हैं। और यहाँ कुछ ग्राहक भी नज़र आ रहे हैं मुझे, मैं बात करता हूँ। हाँ भैया इधर एक सेकंड, स्वामी जी उसके फेसबुक पेज पर हैं, ये बताएं कैसा माहौल है इस बार गणेश चतुर्थी का? यार माहौल तो बड़ा ख़राब चल रहा है अभी, बिल्कुल वो नहीं है रौनक, रौनक है ही नहीं। और अभी मार्केट में पहले बड़ी बड़ी मूर्तियाँ पंडाल वगैरह लगते थे, अभी वो बिल्कुल भी नहीं है। अब ये श्रद्धा और विश्वास वाला है, अब लोग बाग घर में ही अपना गणेश चतुर्थी बनाएंगे। अब कोरोना काल के अंदर अब देखा जाए तो इनके सबसे ज़्यादा गरीबों के लिए ही मार पड़ी है। जो अब इनका आज इनसे आज मेरे को करीब 5-6 साल हो गए लेते हुए, अब आपके सामने ही देखो कि आज नहीं निकल के आज इनके कितना, अभी इन्होंने आपके सामने बताया था बोले अभी मिट्टी भी नहीं आई थी। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर यूपीआरएमएस के रेलवे कर्मचारियों ने रेल बचाओ देश बचाओ की अपील करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। यूनियन के एसआई जैकब ने कहा कि रेल मंत्रालय जिस तरह भारतीय रेल को निजी हाथों में सौंपने का कार्य कर रहा है, प्रत्येक कर्मचारी उसका पुरजोर तरीके से विरोध कर रहा है। रेल को निजी हाथों में सौंपने पर देश के युवा, आम जनता और कर्मचारी प्रभावित होंगे। रेलवे के किराए में अत्यधिक बढ़ोतरी हो जाएगी, युवाओं का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। रेलवे में निजीकरण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे में NFIR ने जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन का आह्वान किया है, जो 9 अगस्त से प्रारंभ हुआ है, भारत बचाओ देश बचाओ रेल बचाओ, इस अभियान के तहत उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ आज मुख्य कारखाना प्रबंधक कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर भारत सरकार को चेताने का कार्य कर रहे हैं। जैसे आप सबको विदित है, भारत सरकार ने 109 रूट और 150 गाड़ियों का संचालन निजी हाथों में देने का फैसला किया है, जिसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं एक एक करके। भारतीय 2 दिन पहले खबर आई, भारतीय रेल को चिकित्सा सेवाएँ को बंद करने के दिशा में आगे बढ़ रहे हैं एक एक करके। जो सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ा यूनिट है जो भारतीय रेल को, इसको ख़त्म करके निजी हाथों में देने की जो चाल इस भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, इसके विरोध में उनको चेताने के उद्देश्य से इस मुख्य कारखाना प्रबंधक कार्यालय के सामने हमने विरोध जताया। जैकब जी, जहाँ तक बात है आपके दो संगठन है, क्या इस मुद्दे पर वापस आप लोग एक ज़्यादा? बिल्कुल, अब ये तो भारतीय रेल को बचाने का उद्देश्य सर्वप्रथम है, हमारा निजी कोई लड़ाई नहीं है। श्रमिक संगठन है, आने वाला टाइम में जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगा तो एक साथ एक मंच पर भी आ सकता है, इसमें कोई बाध्यता या कोई रुकावट हमारा तरफ से नहीं है। गत 2 माह से राजस्थान के राजनीतिक दुनिया में कटुता, आरोप प्रत्यारोप की दीवारें राज्य के महापुरुषों पर बने पैनोरमा ने ढहा दी। अवसर था राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण द्वारा गत भाजपा शासन में महापुरुषों पर बनाए 5 पैनोरमा के ऑनलाइन उद्घाटन समारोह में प्राधिकरण के तत्कालीन अध्यक्ष ओकार सिंह लखावत की जमकर तारीफ की गई। गहलोत ने कहा कि ओकार सिंह लखावत ने प्राधिकरण के अध्यक्ष के कार्यकाल में भाजपा सरकार में खूब अच्छा कार्य किया। लखावत ने खूब परिश्रम किया, उन्होंने दौरे किए, महापुरुषों पर शोध किया और काम कराया, ये काम यूं ही नहीं हुए, लखावत के कठोर परिश्रम से हुए हैं। मुख्यमंत्री ने भगवान देव नारायण जी पैनोरमा, वीर गोरा बादल पैनोरमा, चित्तौड़गढ़ भगवान परशुराम पैनोरमा, मार्त कुंडिया राणा कुंभा पैनोरमा, माल्यावास और बूढ़ा जोहड़ पैनोरमा, बूढ़ा जोहड़ श्री गंगानगर का लोकार्पण करते हुए कहा कि राज्य में प्राधिकरण द्वारा बनाए गए पैनोरमा पर्यटन को बढ़ावा
देने में सहयोग करेंगे। आपने विभाग को निर्देश दिए कि पैनोरमा को ठीक प्रकार संचालित करावें। और पांच पैनोरमा अभी तो मेरे ख्याल से पिछली हमारी सरकार जैसे बनने के अनाउंसमेंट तो किए थे, पर पिछली सरकार जब थी बीजेपी की तब ये ओंकार सिंह लखावत जो थे वो उसके अध्यक्ष बने, उस व्यक्ति ने भी अच्छा काम किया। ये कहना पड़ेगा कि मेरे ख्याल 12-13 कुल मिला के कितने मेरे याद नहीं, 29 से ज्यादा पैनोरमा बनाए गए, और वो तभी संभव हो सकता है जब कोई व्यक्ति अपने आप को समर्पित कर दे, और समर्पित करके धुनका धनी बन जाए तब जाकर के ऐसे काम पूरे होते हैं। उल्लेखनीय है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और राजस्थान धरोहर संरक्षण प्रोन्नति प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत ने दोनों कार्यकाल में महापुरुषों की जीवनी को प्रदर्शित करते हुए 60 से अधिक पैनोरमा का निर्माण कराया गया था। इस कार्य में टीकम बोहरा, तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अन्य अधिकारियों सहित प्राधिकरण के सदस्य हुसैन खान, कंवल प्रकाश कृष्णानी और बहरूलाल गुजर के सहयोग रहा। समय अपनी रफ्तार से दौड़ रहा है, हर पल कोई न कोई घटना घट रही है, समस्याओं को लेकर आवाजें उठ रही हैं, प्रशासन भी कर रहा है समाधान, स्वामी न्यूज रख रहा है हर खबर पर अपनी पैनी नजर, बदलते वक्त का गवाह बनकर और देता है आपको पल पल की खबर YouTube व Facebook चैनल पर। देखिए हमारा टॉप 10 न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय बॉम्बे इलेक्ट्रॉनिक्स मार्टिनल ब्रिज अजमेर, जहां मिलता है एक ही छत के नीचे आपको इलेक्ट्रॉनिक बाजार।